हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिजीत चौगले स्टार इन्फोटेक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जुलाई के बैच के कुछ स्टूडेंट है जो यहाँ पे अपना रिव्यू देना चाहते हैं कि इनको स्टार इन्फोटेक कैसे लगा, ट्रेनिंग क्या यहाँ पे कैसे है, प्लान कैसे रहता है, थ्योरी प्रैक्टिकल या रहने की सुविधा वगैरह कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते कि ये स्टूडेंट कहाँ से आए और इनको कैसे लगा है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बताइए। मेरा नाम उमेश माली है जी। मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। मैं पिछले डेढ़ दो साल से मैं दिख रहा था सर का वीडियो, तो आज जाके मेरा फाइनल हुआ है। ठीक है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है सर पे कि मैंने वीडियो देख के डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया। मैंने कोई कॉल भी नहीं किया सर को, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने। यहाँ पे आके पूरा मैं सेटिस्फाई हूँ। 10 ही दिन में पूरा ऑपरेटिंग सिखा दिया सर ने। अभी हमारा प्रोग्राम का शुरू हो रहा है, हो भी गया है पूरा। ठीक है, थैंक यू सर जी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं गुजरात से जामनगर से धर्मेंद्र सजाड़िया मेरा नाम है। मैंने भी यूट्यूब में वीडियो देखा था सर का, जो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। सर का जो सिखाने का स्टाइल है वो मुझे इतना लगन अच्छा, जो दिल को छू गए, जो बोलते हैं ना जिस तरह से हम वो। फिर मैंने फ़ोन पे बात किया, फिर उसमें भी सर ने अच्छी तरह से बात किया। फिर पेमेंट जो थोड़ा बहुत जो कर जिसको जितना करना है वो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी यहाँ का आके भी ऐसा नहीं कि आओ तुरंत दे दो, कुछ दिन बाद भी दे सकते हैं। इस तरह से सब सर का सब अच्छा है जी। फिर वहाँ जहाँ जैसे हम अपने स्टेट से आते हैं, यहाँ तो कहाँ आना है, कहाँ रुक, कहाँ से बस पकड़ना है, कहाँ से ऑटो, पूरी टोटल माहिती सर के पास से हमें मिल जाती है। वो सब बता दे, ऐसा कुछ नहीं कि जा आओ चले आओ अपने हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। फिर यहाँ आए, यहाँ सब कुछ अच्छा है सर का सिखाने का तरीका। हमारी थियरी रहती है 10 बजे से 12 बजे तक, फिर 12 बजे से बाद 3 बजे फिर स्टार्ट होता है। उसके बीच में भी जो मशीन जिसको प्रैक्टिकल करना है वो करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि चलो भाई क्लास बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। फिर 3 बजे सर आएंगे, फिर प्रैक्टिकल का एक दो बताएंगे, फिर हम अपने हिसाब से प्रैक्टिकल करते हैं सब लोग। वो प्रैक्टिकल रहता है 10, 10:30 बजे, कभी 11 बज जाते हैं इस तरह से। और सुबह भी देखो वो सर का आने का उस टाइम रहता है 8 बजे, वो 8 में ज़्यादा देर नहीं लगती, 8 के ऊपर 5 मिनट भी कभी होता नहीं है। पर क्लास खुल जाता है 7 बजे, क्योंकि तभी प्रैक्टिकल किसी को भी करना है वो चालू हो जाते हैं प्रैक्टिकल करने में। बस इसी तरह से सब कुछ सही है। सर का सिखाने का तरीका तो फर्स्ट नंबर है। કેમ છો? ગુજરાતીમાં આપણે હવે વાત કરી લઈએ, જેમ કે આપણે પ્રોગ્રામિંગનું શીખવા માટે હું અહીં આવ્યો છું ગુજરાતથી કોલ્હાપુર, તો બહુ સરનું શીખવાડવાનું જે આપણે આ સાહેબને તરીકો બહુ સરસ। મેરા નામ ફરહાન આલમ હૈ, મેં ઝારખંડ ટાટાનગર સે હું, और मेरा दोस्त CNC प्रोग्रामिंग में है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू VMC प्रोग्रामिंग करो, और सर का चैनल मुझे यूट्यूब पे शेयर किया, बोला जाने से पहले एक महीना तू पूरा वीडियो देखते रहे सर का, 80% तू वीडियो में सीख जाएगा। तो मैं देखता रहा वीडियो, और यहाँ आने के बाद मुझे वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जब मैं कोल्हापुर पहुँचा 4:30 बजे तो सर को कॉल लगा, तो सर पहले कॉल पर कॉल अटेम्प्ट कर लिए, मुझे वो सबसे अच्छा लगा। तो मैं जब यहाँ पे आया तो VMC तो सब CNC VMC सीखते हैं, उसके साथ साथ सर के जो बिहेवियर है और सर जो कैरेक्टर है, सर पूरा एक बंदे को पूरा अपने कैरेक्टर पे डाल देते हैं। वो एकदम लॉयल बन के यहाँ से निकलेगा, कहीं भी काम करेगा लॉयलिटी से काम करेगा और एकदम काइंडनेस से काम करेगा। तो VMC तो सीख ही गए हम लोग ऑलरेडी, और ये भी सीखने को मिल रहा है कि सर के जो कैरेक्टर है वो हमें भी वही करना है आगे चल के, कि दूसरों के भी हेल्प करना है, और जिस जो मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ वो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जो आंख बंद करके भरोसा होता है वो सर पे करे। सर यहाँ खड़े आंख बंद करके भरोसा करो और सर के इंस्टीट्यूट पर आके ट्रेनिंग लो, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम शेख सोएब है, मैं झारखंड से हूँ, जमशेदपुर। मैंने सर का वीडियो देखा था यूट्यूब में, तो उसमें 80% मतलब दोस्त बोले थे कि सीख जाओगे सर का वीडियो देखो, और यहाँ आने के बाद पता यहाँ पे मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि फेक है वो है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं सर का, और यहाँ पे रहने का कोई दिक्कत नहीं है। जो सोचते हैं ना कि नहीं है रूम नहीं है, तो यहाँ पे सब मतलब पूरा सब मतलब बोले तो एकदम ए है, कुछ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप रहने के लिए एक बेड शीट देंगे, गद्दा देंगे आपको, रह सकते हैं, रूम भी आप देंगे, और खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बिजली है और 24 घंटा, पानी है 24 घंटा, सब चीज़ का। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है 100% पूरा, मतलब बोले ना कि अगर जो बच्चा समझ में नहीं आता है उसको 1000 बार भी पूछेंगे तो 1000 बार भी बताने के लिए सर एकदम
कंफर्म है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम लोग आए हुए पढ़ने के लिए, हम लोग भी सीख चुके हैं। आपको भी अगर जाना है तो सर का चैनल है, उससे बात कर सके सर को। थैंक यू जी। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं जमशेदपुर से हूँ। जैसे कि भाई ने बताया, मेरे को वीडियो शेयर किया था, बोलते सर का वीडियो देखने CNC का, तो सर का वीडियो देखे, तो फिर घर में बात किए कि मेरे को जाना है बोल के, तो घर वाले बोल रहे इतना दूर कैसे जाएगा, आपको भरोसा नहीं है अकेले। तो हम लोग फिर नेट में सर्च किए, सर का वीडियो देखे, मतलब आने का था हम लोग पिछले मंथ, तो एक महीना हम लोग वीडियो देखे, उसके बाद फिर मतलब जो होगा देखा जाएगा बोल के आ गए। आए तो हम लोग यहाँ पे 4 बजे पहुँचे तो हम लोग को बस उस नहीं मिला, तो सर को फ़ोन किया, तो हम लोग लगा सर फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। 4 बजे आप फ़ोन उठाए, हम लोग को बोले वेट करो बस आएगा, बस में आना। फिर हम लोग आए तो यहाँ देखे रूम का सब अवेलेबल है पूरा, एकदम रहने वहने का, खाने वाने का एकदम टाइम टू टाइम आता है। और सर का सिखाने का अगर सर को हम लोग एक तो चीज़ अगर दो बार तीन बार भी पूछेंगे, दूसरा कोई होता है कि चिड़चिड़ा के बोलता है अपने से करो ये करो, सर कुछ नहीं, सर वैसा बताते भी है। और प्रैक्टिकल का 8 बजे से जो खुलता है मशीन, 7 बजे से खुलता है सर, 8 बजे 7 बजे से जो खुलता है, और रात को 10 बजे की बार बंद होता है। उसके बीच में आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करिए, और जिसको आना है वो जिसको आना है सर से कांटेक्ट करें। और सर ऐसा कुछ नहीं है जो होता है ना कि जाएंगे इतना दूर फंस जाएंगे, हम लोग 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं, और आके यहाँ पे हम लोग का 15 दिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होता तो हम लोग कुछ बोल देते कि दिक्कत है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, अब बिंदास आइए। थैंक यू सर। यहाँ के घर वालों को कॉल करने का मन कर रहा है। घर वालों की भी याद नहीं आती। ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट थे जो अभी जुलाई का बैच हमारा चालू है, यहाँ पे 10-15 दिन हमारे हो चुके हैं। ऐसे ही मन मिलाव से हम यहाँ पे रहते हैं। सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेंटर खुलता है, 10 बजे रात को बंद होता है। मैं तो आता हूँ 8 बजे और जाता हूँ शाम 7 बजे, लेकिन एक्स्ट्रा भी 3-4 घंटे ट्रेनिंग सेंटर खुला रहता है, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे इसको इनको रोकने वाला कोई नहीं है, हमारा स्टाफ है, स्टाफ इनके साथ यहाँ पे रुकता है, 10 बजे वो सेंटर बंद कर देता है। तो आप भी चाहते हैं, अगर आपको आज ट्रेनिंग करना है, प्रैक्टिकली सीखना है, देखिए सिखाने वाले तो इंडिया में बहुत है, लेकिन सबके पास मशीन नहीं है, और मशीन होगा तो मशीन हाथ में नहीं देते, ये भी इशू है। तो यहाँ पे हम मशीन हाथ में देते, पूरा मशीन हाथ में देते कि चलो भाई ये मैंने सिखाया ना, तुम खुद करके देखो, एक बार नहीं 10 बार करके देखो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अगर आप भी प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, ज़रूर यहाँ पे आइए, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। मेरा नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया रहता है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं पूरी डिटेल आपको दे दूँगा। अगला बैच अभी हमारा अगस्त में भी है, सितंबर में भी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू सर।